नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के रानिया चुंगी के पास गली जंडीवाड़ी के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि रात को एक डेयरी के अंदर बहुत ही तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहा था और इसके साथ साथ किलकी मार मार कर डांस भी किया जा रहा था। उनको रोका, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, गाली गलौच हुई। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। गाल काटी रात ने भाई, 2 बज गए। अरे इस तरह गाल काटे, छोरा ने कभी गाल ना काटो भाई, तो नो कहे ना हम तो इस तरह ही काट डांगे गाड़ी, क्यों कौन काट डांगा, मारी छात है हम तो इस तरह ही काट डांगे नो कहे, तो हम भी तो तारी छात पे बिठाओ। पूरी कहानी क्या है बताइए, पहले क्या हुआ भाई? छत पे डीजे लगा लें और इकट्ठे हो जाए 20-20 जने और खूब रात ने चिंगरी मारेंगे, गाने गावेंगे, डीजे चलेंगे और मोहल्ले और गात पे कपड़ा ना पावे एक भी बिन गए। रात ने सारा मोहल्ला देखा, जी तक कहे ना भाई चुप करो, तो उल्टा छोरिया रेडिया में आग लगा दूंगा, यो कर लेंगे, बस गंदा मंदा बहुत बोले। सवेरे अब छोरा कहन गए वे तम भाई ना ऐसा काम करो, ऊपर तय ईट बरचा बरसा दिए, हम तो हटे ही को नहीं, हम तो लड़ेंगे, हटे को नहीं, पीछे ना हटे। अब इनका घर लगा है नजदीक है, ये सारी आने का भाई क्या कह रहे, ईट बट्टा बरसाते हैं जी, रात को 2-2, 2:30 बज जाता है, सोने नहीं देते, सारी रात चिंगरी मारते हैं। छोरे ने कह दी भाई सो जाओ आराम से, खा पी ली, तो नो कहते हैं। हाँ जी, आप बताओ पूरी कहानी क्या है, कब से ये है? ये जी काफी दिनों से चल रहा है ये सिस्टम जी। वैसे तो ये सामने मकान है जी, देखो ऊपर दारू पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, बाद में अपने बक्से लगाते हैं, नाचने लग जाएंगे जी फुल, नाच नाच के जी बस चिल्लिया चोट असली लड़कते हैं, गाड़ी गलोच अगर कोई कहता है तो लड़ाई झगड़े वाली बात है जी। वही रात को हुआ है जी, इन्होंने रात को फुल पी रखे, 2 बजे तक डीजे चलाया इन्होंने फुल। जब उनको कहा रात को भाई ने छोटे ने भी ये बंद कर दो, तो उसके गल पड़ गए जी, हमने उसको छोड़ा दिया, मैं छोड़ भी नहीं अपने को इनसे लड़ाई करनी। सुबह फिर हम इनके पास इकट्ठे होके गए, तो इन्होंने फिर हमारे पे हाथापाई कर दी जी स्टार्ट। ये देखो जी ईंटें पड़ी हैं सारी, इन्होंने फुल। आप इकट्ठे होकर गए, फिर क्या बोले ये? ये बोले हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम नहीं करते फलाना किया, हमने हमने कब किया है बताओ, हमारा तो घर है, तुम्हारे कोई घर नहीं, इनका कोई घर बाहर है नहीं जी, कोई आप छड़े में लगे सारे जी। कोई फंक्शन था या क्या? कोई फंक्शन नहीं था जी, ऐसे ही डीजे चलता है। हाँ वैसे ऐसे ही जी, फिर पथराव किया गया। हाँ ये देखो ऊपर से पथराव किया पूरा। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक डेयरी वाला आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर डीजे लगाता है और इसके साथ साथ रात को लगातार 11, 12, 1 बजे तक डांस करते हैं, 5-5, 10-10 व्यक्ति आकर यहाँ पर छतों पर बैठकर डांस करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर पथराव होता है और इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि मामला अधिक से अधिक तूल ना पकड़े। और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा मोहल्ला है वो इकट्ठा हो जाता है। अब दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। दूसरा पक्ष भी हमारे सामने मौजूद है, इनके ऊपर आरोप है कि ये रात पूरी पूरी रात को डीजे बजाते हैं और डांस करते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? अभिषेक नाम है जी मेरा। हाँ जी, कोई डीजे नहीं बजाते, कुछ नहीं बजाते, कारोबारी आदमी है, डेयरी बना रखी है हमने, कारोबार करते हैं, बाहर के बंदे आए हैं उनसे पूछ लो, ये साथ में फैक्ट्री वाले हैं, पड़ोस में पूछो कहीं भी आप, ठीक है, हमारा भैंसों का कारोबार है, डेयरी कारोबार है, हम अपनी डेयरी के अंदर हैं, ये बाहर क्या करते हैं, इनकी पूरी बिरादरी बैठी है, ये बाहर रेडे लगा देते हैं, ट्रैक्टर लगा देते हैं, जुआ खेलते हैं, यहाँ किकर के नीचे बैठ के यहाँ खच्चर खड़े कर देते हैं, इनको सुबह रोका है, रात को भी, कल भी रोका है, शाम को भी यहाँ ना बंदा करो, हमारे को भी अपने डंगर पशु लाने होते हैं, गेट के आगे ना बंदा करो, तो इनको रोकने पर इन्होंने आके बोलना चालू कर दिया, पहले बहसबाजी हुई है, फिर उसके बाद इन्होंने सुबह सुबह आज लड़के बुला के इकट्ठा कर रखे, पूरा मोहल्ला इन्होंने पूरे अपने जितने भी लड़के थे सारे बुला रखे, हम 3 भाई थे, हम यहाँ गेट पे आए हैं, उसके बाद इनके साथ सारी बात होगी भी, चलो ये कह रहे हैं अभी हम नहीं बांधेंगे, ना खच्चर बांधेंगे, ना रेड़ा खड़ा करेंगे, सारी बात होगी, इनका लड़के ने आगे गाली दी है, गाली देने के बाद इन्होंने ईंटें चलाई हैं जिसके अंदर मेरे भाई को ईंट भी लगी है, ठीक है, और डेयरी के अंदर घुस के ईंटें मारी हैं इन्होंने, ऊपर छत पे देखो, यहाँ देख लो आपको मारी है, नहीं हम यहाँ दूध नाप रहे थे, सारे अंदर आ गए, मेरे पैसे रखे थे करीब 2200-2300 रुपए, इसे छीनने लगे तो हम रोने लगे, हमने भाई साहब हमें क्यों मार रहे हो, मेरे नौकर के तमाचा मार दिया, ऐसे में जब मोबाइल गिर गया, पैसे छीन रहे तो हमने पकड़ लिया, ऐसे पैसे पैसे नहीं ले जा पाए, हमने भाई हम परदेसी आदमी हम चल पाते नहीं। आपसे क्या रंजिश है, आपसे क्या रंजिश है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना? कोई नहीं है जी, रंजिश यही है भी ये हमारे दरवाजे के आगे रेड़ा खड़ा करते हैं, कभी आगे यहाँ दारू पी के बकवासबाजी करते हैं, यार रोज खच्चर बांध देते हैं, ठीक है, यही रंजिश है और कोई रंजिश है, रंजिश ये अभी हमने आरोप है आपके ऊपर भी, डीजे बजाते हो डांस करते, कोई डीजे नहीं बजाते, डीजे बजाएंगे यहाँ कारोबार करने के लिए बैठे हैं या डीजे बजाने के लिए बैठे हैं?
बताओ कभी शर्ट टी शर्ट निकाल निकाल कोई टी शर्ट नहीं निकालते, कोई कुछ नहीं करते, ठीक है। पत्थर चलाने का भी आरोप है, पत्थर तो इन्होंने चलाए हैं बाहर से, हमारे तो पत्थर यहाँ देख लो आपको कहीं दिखते हैं तो। के अंदर आ गए थे सारे, हम तो यूपी से कानपुर से माल लेने आते हैं, तो कौन ला रही है पत्थर चलाते, तो उनके भी तो लगनी चाहिए ना, उनके तो लगी नहीं, हम तीन भाई हैं पत्थर उन्होंने चलाए हैं, इनकी औरतों तक आपने पत्थर चलाए, आप ऊपर जाके देखो, यहाँ देखो, आप देख लो इधर देख लो, बहुत से लोग कितने पत्थर। साथियों आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, दोनों पक्षों का आरोप है कि पत्थर इन्होंने चलाए, इनका आरोप है कि पत्थर उन्होंने चलाए, उनका आरोप है कि डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं रात को, इनका आरोप है कि हमारे गेट के आगे यहाँ पर पशु बांधते हैं, रेडी खच्चर खड़ी करते हैं, हम रोकते हैं तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, यही बात है। हाँ, जुआ खेलते हैं यहाँ बैठ बैठ के, किक करके नीचे 20-20 आदमी जुआ खेलते हैं, ये प्रदेशी आदमी है, यहाँ आए हैं, इनको आराम भी करना, सब कुछ करना, यहाँ वो अल्लाह सारा दिन होता है, आप कब मर्जी आके देख लेना। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, धन्यवाद, शुक्रिया।